नागरिकता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, जिसे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए पूरे हक दिए हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी हक को छीनने की कोशिश की जाए या फिर किसी भी पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाए, तो उस पत्रकारिता का क्या अर्थ रह जाएगा। ऐसे ही एक मामला हुआ था 11 जून 2019 को, जिसमें न्यूज 24 चैनल के रिपोर्टर अमित शर्मा के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में समाचार के लिए न्यूज 24 चैनल के रिपोर्टर अमित शर्मा जीआरपी थाने में गए थे, जहां पर जीआरपी के थाना अध्यक्ष राकेश उपाध्याय ने अमित शर्मा को पकड़ लिया और बुरी तरह मारपीट कर उन्हें थाने में बंद कर दिया था। जैसे ही इस मामले की जानकारी जनपद के अन्य पत्रकारों को लगी, तो वे सभी थाना जीआरपी पहुंचे, जहां पर अमित शर्मा ने बताया कि थाना अध्यक्ष ने उसके साथ बदसलूकी की है और उसके मुंह पर पेशाब भी किया है। देखिए आप भी अमित शर्मा की ये बीती कहानी को। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मैंने ना आशिक ना फीस की, जो एंट्री का काम करता उसकी खबर चलाई थी, उससे चले भुने हुए हैं। देखो मेरा चोट के निशान भी है, इन्होंने मारा है नहीं, जबरदस्ती इन्होंने माँ बांध के गाड़ी 1000 दी, मैंने इन्हें कोई गाड़ी नहीं दी। और क्या करा आपके साथ? जिस दिन मैंने वाला तो बोलते हैं ना, सबको अंदर ले कर रहे हैं आप। उस दिन से ये मेरे हुए हैं, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने इतना गलत नहीं, हमने आज तक इस पर पेशाब होता है भाई साहब, इतनी गलत बात नहीं। देखिए पहले फोन पे आके इन्होंने मारा, हमारे बहन की रिकॉर्डिंग, इनके फोन की वीडियो है, मेरे पास ने सब हाथ मारा, फोन पे वीडियो है हमारे पास कवरेज करने के दौरान और मारपीट की। इस पूरी घटना के बाद से सभी पत्रकार आग बबूला हो गए थे और धरने पर बैठ गए। वहीं धरने की खबर सुनते ही प्रशासन की नींद खुली तो डीआईजी को घटना स्थल पर भेजा गया, जहां पर काफी जद्दोजहद के बाद थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पत्रकार इस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मिले, जिन्होंने मुकदमे की जाँच शामली एसपी अजय कुमार को दे दी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। हर रोज पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जाती है, जिसे लेकर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता। इन्हीं मामलों को लेकर 26 अगस्त को शामली कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसके लिए 7 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन भी किया गया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की नींद अभी भी खुलती है या ऐसे ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की धज्जियां उड़ाते रहेंगे ये पुलिस के अधिकारी। शामली से रामवीर राठी की रिपोर्ट।